विश्व के तीसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने यहाँ रविवार को अपने घर में रोमानिया के क्वालिफायर में कपिल पुरुष को सिंगल्स के फाइनल में हराकर स्विट्जर इंडोर्स का खिताब जीता। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड के दिग्गज खिलाड़ी फेडरर ने अपने करियर का 99 ATP खिताब भी अपने नाम किया। अमेरिका के जिम्मी कॉनर्स 109 ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रोफेशनल एरा में 100 से अधिक ATP खिताब जीता है। इसके अलावा फेडरर के 9वीं बार विजेता बने। फेडरर को पहले सेट में कपिल के सामने कड़ा संघर्ष करना पड़ा और ये सेट टाई ब्रेक तक गया, लेकिन वह ये मैच 7-6, 6-4 से जीतने में सफल रहे। दूसरे सेट में कपिल ने एक समय फेडरर पर 3-0 की बढ़त हासिल की, लेकिन फेडरर ने अपने अनुभव का फायदा उठाकर पहला स्कोर बराबर किया और फिर 5-4 की बढ़त बनाने के बाद ये सेट वो मैच अपने नाम कर लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला 1 घंटा 34 मिनट तक चला। फेडरर ने लगातार 4थी बार ये टूर्नामेंट जीता। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।